ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। शुरू करते हैं। ये जो फोटो इसी के ऊपर में है। हाँ ये फोटो ठीक है। तो फैजान इन्वेंट्री कर रहे थे, इन्वेंट्री में यूपीसी बनाए हैं प्रोडक्ट के लिए। तो आप अपना फोल्डर ओपन कीजिए। फोल्डर ओपन बहुत सिंपल तरीका बताएंगे, मजा आएगा करने में। आपका फोल्डर ओपन कीजिए, जहाँ पे पहले तो फोल्डर का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे आप फाइल्स को रखे हैं देखना। ये है पहचान के अंदर में इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के अंदर में फाइल है। फाइल का नाम है ऑल लिस्टिंग्स रिपोर्ट GMEW। तो इससे ये पता चलता है कि GMEW का अमेज़न का ये ऑल लिस्टिंग्स रिपोर्ट है। अमेज़न का है या नहीं है ये कैसे पता चलता है? तो हमको फाइल का नाम देख के पता लग गया कि अमेज़न वाला रिपोर्ट है, लेकिन आपको नाम भी, नाम में अमेज़न दे देना चाहिए था ना। ऑल लिस्टिंग रिपोर्ट अमेज़न GMEW, इसको सही कीजिए। ऐसा गलती रहेगा, आप जब और ज़्यादा अकाउंट्स पर काम करेंगे तो फिर दिक्कत आएगा। कहाँ डालिएगा, यहाँ बीच में कहीं डाल दीजिए। अमेज़न स्पेस दे दीजिए, इंटरफेस दे दीजिए, फाइल को ओपन कीजिए, और साथ में क्रोम में इसका अकाउंट भी ओपन कर लीजिए। हमें को चेक करना पड़े कि ये प्रोडक्ट का इमेज कैसा है, इसका वहाँ पे क्वांटिटी कैसे कितना है। ये क्वांटिटी तो रिपोर्ट में भी होता है, पर अभी क्या क्वांटिटी है ये पता करने के लिए। कौन सा व्हाट्सएप है? लॉगिन के लिए तो अभी तक नहीं खुला, क्यों? लाइव कर दिए, इसमें जो फेल हुआ है उसको देख लीजिए और नेक्स्ट प्रोडक्ट। भारत ट्रेडर्स बहुत जरूरी है। ये आप हमसे क्यों पूछो कि कौन सा लॉगिन करें? आप रिपोर्ट GMEW आप कर रहे हैं ना, तो वही करना पड़ेगा। Gracias.
जेएमडब्ल्यू कौन सा है, मधुपुर स्टोर को बोलते हैं जेएमडब्ल्यू। फर्स्ट पेज में जाइए, यूआरएल में क्या इशू होगा, डुप्लीकेट इमेज होगा कि इमेज यही है। ये वाला अकाउंट है जिसके बारे में आप यहाँ रिपोर्टिंग बनाएंगे, ये वाला है ना, इसका एक व्यू ओपन है यहाँ पे, इसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ एसकेयूज कितना है पहले तो ये चेक करते हैं, फिर देखते हैं। हाँ, न्यू विंडो, जो डाटा जो हमें मिला था ईमेल पे वहां चेक कीजिए कि दोनों में क्या फर्क है। हम फिल्टर रिमूव कर रहे हैं इसमें से और ये चेक करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एसकेयूज कितना है। सबसे पहला काम रिपोर्ट के लिए अब आप भी बोलेंगे ना तो जोर से बोलेगा तो इसमें आवाज जाएगी। टोटल नंबर ऑफ एसकेयूज ऐसे काउंट कर लेते हैं हम लोग इसको, यहाँ से 619 एसकेयूज यहाँ पे शो हो रहा है और अकाउंट में क्या शो हो रहा है 550। ऐसा क्यों है आप जो लिस्टिंग किए थे उसमें हमको कुछ भेजना था, कुछ गड़बड़ था, आप उसको फुलफिलमेंट बाई अमेजोन रखें, FBA रखिएगा तो लिस्टिंग अपलोड अपलोड हो गया है तो वो लाइव नहीं होगा, क्योंकि FBA तब लाइव होगा जब वहाँ माल भेजेंगे। FBA की उसको सेलर फुलफिल कीजिए तब हो जाएगा, इसलिए वो कल काम भी नहीं आ पाया वो लिस्टिंग, अभी कीजिएगा तो एक ऑर्डर प्लेस करना है। तो फैजान 550 है और वहां पे 600 एंड समथिंग है, ज्यादा है, कैसे है? ये देखिए ये किसी और का एसकेयू आया हुआ है यहाँ पे, ये देवोस वुमेन बैग जो है ये इस अकाउंट का एसकेयू तो नहीं है, ऐसे काम का स्कीम है क्या? ये कंट्रोल भी सर्च करते हैं है और नाम भी इसका सही दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि 550 प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट ज्यादा है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ वेरिएंस बना हुआ है ना, 57 एसकेयू तो इसके अंदर छुपा हुआ है। तो अगर हम लोग उसको सॉर्ट करते हैं प्राइस क्वांटिटी, और ऑल किया हुआ अगर एक्टिव करें तो देखिए ऐसे पता चल जाएगा, एक्टिव में 135 दिखा रहा है, 135 हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे, देख लेंगे एक्टिव और इनएक्टिव मिला के 600 समथिंग होना चाहिए था जो यहाँ पे है। कैलकुलेटर ओपन किए, 135 हम लोगों को मिला किसमें, एक्टिव में 135 प्लस इनएक्टिव, इनएक्टिव कितना है 479 प्लस 479 इक्वल टू
614 और यहाँ कितना आ रहा है 619। 5 SKU का अभी भी फर्क हो गया। क्यों फर्क हो गया? मतलब क्या डिलीट कर दिया होंगे, कुछ हुआ होगा डिलीट विलीट अभी ऐसा होगा। और क्योंकि आप इन्वेंट्री कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे बैग्स का लिस्टिंग इनएक्टिव है, ब्लॉक लिखा हुआ है। क्या ब्लॉक है? क्या इशू था इसमें? देखिए इनएक्टिव है ये वाला हैंड बैग, हम लोग लिस्टिंग डाल के रखते हैं, इनएक्टिव है, इमेज वगैरह सब रहे हैं। सेव एंड फिनिश करते हैं, इसको एडिट करके देखते हैं एक बार, अब लाइव हो पाता है क्या देखेंगे, 15 मिनट बाद बताएगा लाइव होगा या नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे मेन कंसर्न था, हम लोगों को करना है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। हम लोग UPC बना चुके हैं और SKU नंबर ऑफ SKUs मैच करा रहे थे, तो 5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है ना, 1614 बता रहे हैं और यहाँ पे 619 है, तो ये छोटा सा गड़बड़ी भी बहुत दिक्कत दे सकता है। मैच क्यों नहीं है? मैच होना चाहिए ना, मैच होना चाहिए। तो एक बार हम लोग दोबारा से रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट, फिर देख लेंगे उसमें क्या है। उसमें मतलब अभी भी रिपोर्ट के अंदर में अगर डिलीट हुआ होगा तो नया रिपोर्ट में नहीं आएगा, 614 ही आएगा। ऑल लिस्टिंग्स रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हैं हम लोग, ऑल लिस्टिंग्स रिपोर्ट रिफ्रेश करते हैं पेज को। डाउनलोड किए फैजान, बार क्यों आप लगाते हैं सब्स्टिट्यूट? एक ही बार लगेगा ना, ऊपर से बिल हैंडल कर देना होगा। बार बार लगाइएगा तो एक एक बना, एक रोज बनाइएगा, एक रोज के सब्स्टिट्यूट करके जाइएगा, एक रोज दो रोज कीजिएगा, वही हो रहा है आपका। अरे फंक्शन है ना ये, दोबारा से शुरू होगा। लिस्टिंग रिपोर्ट हम लोग डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करते हैं ये रहा लिस्टिंग रिपोर्ट, कहाँ डाउनलोड कीजिएगा इसको? पहचान कहाँ पे है? ये वाला इन्वेंट्री, किसका इन्वेंट्री? Amazon GMEW देखते हैं नंबर ऑफ SKUs कितना है। नंबर ऑफ SKUs इक्वल टू नंबर ऑफ आसिम होगा 621। एक कहाँ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी जो आपका रिपोर्ट डाउनलोड हुआ इसके अंदर में 621 है, ये न्यू वाला रिपोर्ट है आपका, है ना? इसके अंदर ये न्यू वाला रिपोर्ट।
आज का है 2020। नौ बारह सिमिलर तरीका से ये पहले वाला है। ये कब का है? ये तो आज का है, वो वाला ये आप कब खोले थे? कब किए थे? 8 तारीख, 5 तारीख कब? रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप एसपी इसका यूपीसी बना चुके हैं ना। हमको ये देखना है कि नया वाला रिपोर्ट में कौन कौन सा नया एसक्यू आ गया जो यहाँ मिल नहीं रहा, ये डिफरेंस हो रहा है, ये डिफरेंस को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक एसक्यू का भी डिफरेंस है तो भी पता लगा लेंगे कि क्यों है ये। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन लगा देते हैं इक्वल टू या इंडेक्स मैच लगा देते हैं। यूपीसी यहाँ ले आए उसका उठा के यहाँ, क्योंकि वहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, यूपीसी आ जाएगा इक्वल टू फंक्शन लगा के इंडेक्स एरे। क्या चाहिए आपको? यूपीसी चाहिए, तो यूपीसी के कॉलम दे देंगे। कहाँ बनाए हैं यूपीसी आप? यस, मैं फाइनल यूपीसी कौन सा है? सारा कंपोनेंट्स भी लेके जाना है क्या? कोई जरूरी नहीं। डुप्लीकेट यूपीसी बन रहा है, बन रहा था, बना है। देखिए इतना सारा डुप्लीकेट आया है। तो ये देखिए, ये है आपका, इसको लॉक करेंगे, करेंगे ना। फिर आप क्या देना है? मैच वैल्यू। क्या मैच करेंगे? मैच क्या करेगा? मैच के लिए इसको लुकअप वैल्यू चाहिए। लुकअप वैल्यू मतलब क्या क्या चीज मैच करेगा? तो एसकेयू, ये वाला एसकेयू मैच करे, और लुकअप एरे कहाँ से मैच करे? इस वाला शीट में जहाँ पे इसको एसकेयूज मिलेगा, इस वाला शीट में एसकेयूज कहाँ मिलेगा? ये रहा एसकेयूज, ये वाला। इस लुकअप वैल्यू से इसको हमेशा सर्च करना है, तो इसको लॉक करना पड़ेगा। लॉक कर दिए, और फिर मैच टाइप, मैच टाइप का सर एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ फंक्शन है, एक्सेल का फंक्शन क्या होता है? आ गया ये यहाँ पे, तो जिस जिस के लिए मिलेगा इसको उसके लिए ये यूपीसी यहाँ पे लाके ये रख देगा, और जिसके लिए नहीं मिलेगा उसके लिए नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसको बहुत का नहीं मिला है, वहाँ पे ब्लैंक होगा, इसलिए यहाँ पे रेफरेंस दिखा दिया। तो आपका बैंड, सिर्फ बैंड का यूपीसी है यहाँ पे, और यूपीसी नहीं मिल रहा है, और यूपीसी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या है? यूपीसी फाइनल। फिल्टर से बाद में जाते हैं, डेटा एंड फिल्टर। अब इसके अंदर हम लोग वो रेफ को बात कर देंगे, इसको डिसलेक्ट कर दिए, बात कर दिए, एनए भी आया हुआ है, और बाकी जितना यूपीसी आया है वो सारा बैंड वाला ही आया, बाकी और जो बनाए वो सब नहीं आया। किसी का नहीं बना हुआ है, या बना देते? अच्छा, फाइनल नहीं बना हुआ है, इसीलिए इसीलिए कोई बात नहीं। ब्लैंक है क्या वहां पे? वहां
किसी कंपोनेंट बना हुआ है बोलिए, किसी नहीं पूजा आर्टिकल्स। ये पूजा आर्टिकल्स है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। हाँ ये लोग को बता दीजिए, वहाँ पे रड लगा दिया नीचे में, देखे हैं तो अपने टाइम ध्यान रखिएगा नहीं तो पैर फंस जाएगा। तो हम लोग यूपीसी बना के रखे तो नहीं है, आप यहाँ पे यूपीसी बना के रखे तो नहीं है, अभी कंपोनेंट्स निकाले हैं इसलिए इसको सेल रेफरेंसिंग लगा के चिपका लीजिए। दिस एंड हाइफन यहाँ से दे दीजिएगा, यहाँ से है ना, ये हाइफन दे दिया, फिर ये, 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 ये। तो अभी दिखने लग गया कि क्या है ना। अब इसमें क्लोज पूजा वाला ये वाला जो किसी दो बार बना है फिर हाँ रिपोर्ट रिपोर्ट किसी को भेजे ना जाए, आप जाइए वहाँ ले लीजिए, नहीं तो मन कर देगा फिर रात में रिपोर्ट खोल जाएगा नहीं मिलेगा। फिर बंद करना ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग है ना, अभी नो ब्रेक। तो ये आपका यूपीसी है ना, इसका काम क्या होगा, क्या यूज आएगा इसका? नहीं, यूपीसी आपका इन्वेंटरी अपडेट करने के लिए काम आता है। जैसे आपको बोलेंगे कि पूजा थाली सारा जितना पूजा थाली है सब का स्टॉक काम हाइप कर दीजिए, तो कैसे कीजिएगा? यूपीसी है यहाँ थाली का, अब फिल्टर लगाइएगा THALI थाली आ गया यहाँ एक ही मिल गया आपको, इसका SKU उठाइएगा अभी रिपोर्ट में, वो बताएंगे रिपोर्ट में कैसे करना है। अभी फिलहाल के लिए इतना जानिए कि आपको ऐसा बोला जाएगा कि थाली का अपडेट करना है, तो थाली का यहाँ आपको दिख गया। अगर एक से ज़्यादा थाली होता तो आप बताते कि यहाँ एक पैक ऑफ 5 थाली है, एक पैक ऑफ 3 थाली है, इसका क्या प्राइस करना है, तो आपको क्राइटेरिया दिया जाएगा कि पैक ऑफ 3 का जो है आप 500 रुपीज कर दीजिए और पैक ऑफ 5 का 700 रुपीज कर दीजिए, है ना। तो वैसे आप करेंगे, इसी के लिए हम लोग यूपीसी बना रहे हैं, ये इतना यहाँ तक बना है ठीक है। अब आपका तो इसको जब आप करेंगे तो अपने आपको क्लियर होने लग जाएगा कि कैसे यूज होना है। अभी फिलहाल के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ए टू जेड करके देखते हैं। ए टू जेड किए, पूजा आर्टिकल्स में हाइब्रिड सीड ऊपर में आ गया, उसके बाद बगल मुखी धागा,
बगल मुखी धागा जो आप लिखे हैं उसको धागा नहीं ना लिखिए, लिखिएगा यहाँ धागा लिखे हैं और कहीं थ्रेड लिखा होगा, यहाँ देखिए यहाँ थ्रेड लिखा हुआ है और यहाँ धागा लिखा हुआ है ना। अब बैंगल है, बैंगल के अंदर में और ये ब्लैक सिल्क थ्रेड है और ये वाला बगल मुखी धागा है। ये तो अब पहचानने वाला बात है कि अब बगल मुखी धागा कैसा होता है और सिल्क वाला कैसा होता है। चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग इसको भी कंसिडर करते हैं कि धागा और थ्रेड अलग अलग लिख के रखे हुए हैं। वैसे आप उसको बगल मुखी थ्रेड भी कर, धागा को हटा देना चाहिए ना आपको, धागा को हटा के इसको थ्रेड करना चाहिए। तो यहाँ इससे आ रहा है धागा, बगल मुखी धागा टाइप पूजा आर्टिकल में, और ये सिल्क है, ये भी सिल्क है। तो ये बगल मुखी टाइप है, गड़बड़ है ना, ये चीज गड़बड़ है। टाइप में या तो बगल मुखी धागा लिखते या बगल मुखी थ्रेड लिखते, तो यहाँ सब में भी थ्रेड होना चाहिए था जहाँ जहाँ थ्रेड है। फिलहाल के लिए हम लोग ये कंफ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, धागा और थ्रेड एक होता है, तो धागा और थ्रेड को हम लोग थ्रेड ही लिख देते हैं। यहाँ थ्रेड आ गया। अब और जगह जहाँ थ्रेड है देखिए कितना थ्रेड है, थ्रेड ब्लैक सिल्क थ्रेड है, सैक्रेड सैक्रेड कॉटन थ्रेड है और थ्रेड है पूजा आर्टिकल्स, थ्रेड सिल्क मटेरियल इसका ये है टाइप। तो टाइप में आप गड़बड़ करके रखे हुए हैं। अब इसमें कलर आप दे दिए, कलर के कॉलम तो आगे भी हैं है ना, तो कलर तो वहां जाना चाहिए था, यहाँ से कलर हट जाएगा और यहाँ सिल्क भी नहीं होगा, सिल्क यहाँ लिखे हैं, यहाँ सिल्क क्या बचेगा, थ्रेड बचेगा। यहाँ पे आप बगल मुखी थ्रेड अगर थ्रेड कर रहे हैं तो थ्रेड के अंदर बगल मुखी होगा, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये थ्रेड के अंदर बगल मुखी होगा। कंट्रोल एक्स, यहाँ हाइफन देके कंट्रोल वी, पीछे एक स्पेस है उसको हटा देंगे, थ्रेड, और ये ब्लैक सिल्क थ्रेड है तो इसको ओनली थ्रेड कर लेंगे, ये हो गया ओनली थ्रेड। सेक्रेड कॉटन थ्रेड है तो उसको कॉटन हट जाएगा, कॉटन वहाँ आगे आप लिखे हैं ना कि नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो यहाँ मिटाने से पहले वहाँ लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे इसमें ये सिल्क नहीं है, ये कॉटन है, तो आप सिल्क क्यों लिखोगे, ये कॉटन हो गया, ये सिल्क था, ये सिल्क था, ये थ्रेड था, सिल्क का था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से इसका फिल्टर हटाते हैं, ये हटा दिए, तो हम लोग को थ्रेड के बारे में पता लगा। अभी देखते हैं इसको हम लोग करके, सब तो पूजा आर्टिकल से इसको ए टू जेड करते हैं। ये हाइब्रिड सीड है, तो ऐसा नहीं ना लिखा जाएगा, सीड है कैसा है, हाइब्रिड है, सीड कैसा है, हाइब्रिड है। बैंगल है, बैंगल कैसा है, कॉपर मटेरियल है उसका, ब्रास गलत है ना, ये पूजा आर्टिकल गौमुखी ब्रास, तो गौमुखी ये क्या चीज है, गौमुखी गौमुखी इसका टाइप हो गया, ठीक है मटेरियल हो गया, पर ये है क्या पता नहीं लग पा रहा है ना, टाइटल में क्या है इसका देखना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं टाइटल, बाबा बैद्यनाथ धाम ब्रास गौमुखी श्रृंगी फॉर अभिषेक बादिंग पॉट
फॉर गॉड विद ए कंप्लीट रुद्राक्ष किट। ये है क्या? ये पूजा आर्टिकल जो है, ये पूजा आर्टिकल है और किट है, मतलब एक ही ऑर्डर में बहुत सारा आइटम जाएगा। किट मतलब पूजा का किट है। पूजा में अगर 25 टाइप्स ऑफ आइटम लग रहा है तो वो 25 टाइप्स ऑफ आइटम है इसके अंदर में। तो ये कौन सा किट है? रुद्राक्ष का किट है और साथ में क्या है? श्रृंगी। श्रृंगी क्या है? श्रृंगी किसको बोलते हैं? श्रृंगी होता है वो जो पानी डालने के लिए यूज करते हैं, पूजा में यूज होता है, भगवान को पानी डालने के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, लोटा नहीं है, श्रृंगी है। इसका फोटो देखिएगा, एक ऐसा लंबा सा होगा, लंबा सा। तो ये गौमुखी श्रृंगी है, गौमुखी टाइप का श्रृंगी है। लेकिन इस यूपीसी को डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा? ये पहला बात तो है कि ये किट है, इसमें एक आइटम नहीं है, अलग अलग टाइप ऑफ आइटम है। तो और बादिंग पॉट फॉर गॉड विद ए कंप्लीट रुद्राक्ष किट इन गोल्डन। इसमें तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत। यहाँ गौमुखी ना लिख के इसको लिखा जाए किट है ये किट है। और ब्रास इसका मटेरियल हो नहीं सकता है। ब्रास इसका मटेरियल, ब्रास किसका है? देखिए किट है ना, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर देते हैं। देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, हाइफन दे दिए ब्रैकेट के अंदर में। अब हम लोग किट को डिफाइन करेंगे, किट के अंदर में क्या क्या है। तो एक तो श्रृंगी है, एस एच आर आई एन जी आई। श्रृंगी को इंग्लिश में बोलते हैं बादिंग पॉट। बादिंग पॉट मतलब नहाने के लिए, भगवान को नहलाने के लिए वो एक पानी डालने का सामान है, वो बादिंग पॉट है। बादिंग पॉट, बादिंग इसको कैसे लिख दिया है हम लोग? कैमल केस में दोनों के बीच में हाइफन नहीं दिए। बादिंग का बी कैपिटल है, पॉट का पी कैपिटल है, बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब किट है, किट के अंदर में एक तो बादिंग पॉट है और एक क्या है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष सेट है इसके अंदर में, R U D R A K S H, रुद्राक्ष। ठीक है, और गौमुखी, गौमुखी जो है आपका बादिंग पॉट जो है वो गौमुखी टाइप है। बादिंग पॉट गौमुखी टाइप है और बाकी रुद्राक्ष का तो किट है, रुद्राक्ष रुद्राक्ष जैसा होता है। तो बादिंग पॉट के बारे में आपको लिखना है ना, चाह रहे हैं लिखने के लिए। कैसा है बादिंग पॉट? कैसा है? गौमुखी है, जी ए यू एम यू के एच आई यू के, गौमुखी। और रुद्राक्ष लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो मटेरियल में क्या होगा? बादिंग पॉट वो तो ब्रास का है, और दूसरा रुद्राक्ष क्या चीज का मटेरियल है उसका? मटेरियल रुद्राक्ष हो गया। पैक ऑफ कितना होगा? रुद्राक्ष है और गौमुखी है, दो टाइप का चीज है, तो पैक ऑफ टू हो गया। और पैक ऑफ कंपोनेंट तो भी टू होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा उसको देखना पड़ेगा हम लोग को। इसका एसकी उठा के हम लोग जाते हैं लिस्टिंग में, ये है। इसका एसकी उठा लें या एएसआईएन उठा लें, एक ही मिलेगा। यहाँ चेक करते हैं, आपके मधुपुर स्टोर है, मैनेज इन्वेंटरी में आएंगे। यहाँ हम लोग उसका एएसआईएन सर्च करेंगे, तो ये आया। देखिए फोटो में तो एक ही चीज दिख रहा है, श्रृंगी दिख रहा है ओनली, इसी को श्रृंगी बोलते हैं। तो ये तो सिर्फ श्रृंगी है, फोटो में सिर्फ श्रृंगी है, पर यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्लीट रुद्राभिषेक किट बिग एंड गोल्डन। रुद्राक्ष नहीं है, रुद्राभिषेक किट है ये। बादिंग पॉट किट क्यों बोल रहे हैं उसको? किट तो बोलना नहीं चाहिए, अगर हम एक आइटम दे रहे हैं तो किट बोलने का कोई मतलब नहीं है, इसको किट नहीं बोलेंगे हम लोग।
है ना, देख रहे हैं ये क्या है, ये इस तरीका से है, इसको लटका देते हैं, इसमें ऊपर से पानी डालते हैं, नीचे से निकलता है और उसी से उसको नहलाया जाता है मूर्ति को। इसका देखिए प्राइस कितना ज्यादा है, ये ब्रास का इतना छोटा सा है, ये 100-150 रुपए का सामान होना चाहिए, लेकिन इसका दाम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, GST लेके 5,999 रुपया है। कभी कोई नहीं खरीदेगा इसको, कोई पागल होगा जिसका दिमाग नहीं काम कर रहा होगा खरीदेगा, इसीलिए ये बिक नहीं रहा है ये श्रेणी। अभी आप जो इन्वेंट्री अपडेशन का काम कर रहे हैं इससे यही सुधर जाएगा, प्राइस को सुधारना है, आपको बताएंगे हम लोग। तो ये पूरा गलत हो गया ना, किट है, किट विट नहीं है, ये सिर्फ बादिंग पॉट है इसमें, तो ये सारा जो है झंझट हटा देते हैं यहाँ से, किट नहीं है, बादिंग पॉट है, गौमुखी टाइप है, रुद्राक्ष नहीं है, रुद्राभिषेक है, ये गौमुखी KHIGHI हो गया, तो बादिंग पॉट है, गौमुखी है, और ओकेजन क्या है इसको, रुद्राभिषेक बोल के एक पूजा होता है, ठीक है, एक पूजा होता है रुद्राभिषेक, तो उसमें ये लगता है, तो रुद्राभिषेक जो है टाइप में देना दे सकते हैं पर नहीं देंगे, इसको हम लोग कहीं और ऐड करेंगे, इसका एक कॉलम बनाएंगे हम लोग, वहाँ ऐड करेंगे ओकेजन, ये और भी समझ में आएगा ना ओकेजन के बारे में। लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है, यूनिट ऑफ है, यूनिट ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो लेंथ ब्रेथ लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, और यूनिट ऑफ लेंथ है, यूनिट ऑफ हाइट है, लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है ना, हाइट नहीं, तो हाइट के लिए ऐड कर दीजिए, हाइट के लिए क्या ऐड कीजिएगा, एक कॉलम ऐड कर दीजिए यहाँ बीच में, होम में जाइए, इंसर्ट में जाइए, यहाँ एक कॉलम इंसर्ट कर दीजिए, इसको लिख देंगे हम लोग लेंथ, लेंथ है, हाइट नहीं है, लेंथ ब्रेथ है, LBH पे यहाँ हाइट लिखा है, HGIGHT हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ हाइट एंड यूनिट ऑफ ब्रेथ हो गया ये, तो इस ना लेंथ ब्रेथ हाइट प्रिंट कलर ट्रांसपेरेंसी, यहाँ छोटा ये जगह खाली है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ओकेजन, OCCASION ओकेजन, ओकेजन का स्पेलिंग सही है, SSSION होता है शायद, पता नहीं हमको देखना पड़ेगा, तो ओकेजन यहाँ पे ओकेजन के बारे में लिख देंगे, तो वो रुद्राभिषेक किट जो है रुद्राभिषेक में लगता है, अब जो पूजा करता होगा उसको पता है कि रुद्राभिषेक रुद्राभिषेक किसका होता है ना, श्रृंगी ये वाला है ना, इसी का ओकेजन लिखना है हमको यहाँ पर ओकेजन, तो ये रुद्राभिषेक हो जाएगा, RUDRABHIBHISHEK रुद्राभिषेक, ये हो गया। अब और देखते हैं और क्या क्या गड़बड़ी है, ये हो गया, फिर ब्रास शंख है, तो आप वही गलती करके रखे हैं यहाँ पे, शंख है तो कैसा है, ब्रास का है, तो शंख तो शंख में टाइप में लिख दिए हैं आप, टाइप में शंख है ये, और कैसा है, ब्रास का है, तो यहाँ ब्रास लिखा जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो ये तो आपका अभी इसमें गड़बड़ी है, इसको सुधारना पड़ेगा ना, चक्रा है, कैसा है, कोरल है, ठीक है, ये ठीक है, चंदन पाउडर है, तो पाउडर है चंदन जैसा ना, चंदन पाउडर जैसा ये भी हो सकता है, चंदन पाउडर जैसा हो सकता है, अब पाउडर चंदन जैसा भी हो सकता है, पर हम लोग यहाँ क्या लिखना सही रहेगा, चंदन जैसा पाउडर या पाउडर जैसा चंदन,
चंदन जैसा, चंदन कैसा, पाउडर वाला, मतलब पाउडर, चंदन का पाउडर। तो आप पाउडर के अंदर चंदन या चंदन के अंदर पाउडर कुछ भी कर सकते हैं। एसकेयू देख लीजिएगा, पहले जो बनाए हैं नाम से निकल के आया था ग्रुपिंग करके, तो क्या कीजिएगा, कीजिए वहां पे पाउडर के आगे चंदन, चंदन तो उसका मटेरियल है। एंटर। अब नीचे क्या आया, क्लोथ फॉर पूजा, पूजा आर्टिकल में क्लोथ फॉर पूजा। तो क्लोथ फॉर पूजा, क्लोथ फॉर पूजा नहीं देके क्या दीजिए, पूजा का है ना ये, क्लोथ है तो ये तो मटेरियल में क्लोथ आ जाएगा, और टाइप में क्या आ जाएगा, पूजा में लगने वाला कोई चीज है, क्या है, क्लोथ है, तो टाइप में भी क्लोथ रहेगा, मटेरियल में भी क्लोथ रहेगा, ठीक है, तो ओनली क्लोथ रहेगा यहाँ पे, ओनली क्लोथ, ओनली क्लोथ ना, ओनली क्लोथ हो गया, इसका टाइप भी क्लोथ हो गया, मटेरियल क्लोथ है, CLOTHE, CLOTHE क्लोथ, उसी तरीका से ये सब भी हो जाएगा। अब क्लोथ है मटेरियल, क्लोथ तो मटेरियल के बारे में लिखा होगा कि क्लोथ कौन सा है, सिल्क का क्लोथ है या फिर और कोई क्लोथ है, इसमें चेक करते हैं लोग। 11 मीटर कॉटन क्लोथ है ये, तो मटेरियल में कॉटन आ जाएगा, क्लोथ कैसा, कॉटन का। अब पूजा के लिए है तो पहला कंपोनेंट में लिखा हुआ है कि पूजा आर्टिकल है ये, उसी तरीका से ये वाला ऑरेंज कलर का क्लोथ है, ये भी कॉटन क्लोथ है, ये वाला भी कॉटन है। उसके बाद ब्लू कॉटन, ये भी कॉटन है, और उसके नीचे वाला मार्बल लुक, काउ एंड काफ, कामदेव महादेव माउंट, नंदी हैंडीक्राफ्ट, डेकोरेटिव स्पिरिचुअल स्टैच्यू, ये तो स्टैच्यू है, स्टैच्यू का मतलब मूर्ति, तो ये क्या है, मूर्ति है ना, स्टैच्यू, स्टैच्यू को आप स्टैच्यू भी बोल सकते हैं, और मूर्ति के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो क्या है, आइडल, IDOL, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, आइडल। तो आइडल है, कैसा है, मार्बल, इसका मटेरियल है मार्बल लुक, मार्बल लुक है इसका, काउ एंड काफ, काउ एंड काफ कामधेनु, महादेव माउंट, नंदी हैंडीक्राफ्ट, आइडल है, मार्बल का है, और इसका हैंडीक्राफ्ट मेक है, इसका मेक कैसा बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, तो हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब अगर फैक्ट्री में बनता तो वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। हैंडीक्राफ्ट जानते क्या होता है, हाथ से बनाया हुआ, और जो चीज हाथ से नहीं बनता है वो कहाँ बनता है, मशीन से बनता है, तो वो मेक हो गया, वो कैसे बना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है बनाने का तरीका, उसका एक कॉलम ऐड कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। कोटिंग में ना, कोटिंग में तो खाली है अभी आपका, इसमें क्या लिख देंगे, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसका, हैंडीक्राफ्ट, तो हैंडीक्राफ्ट में आप हैंडीक्राफ्ट लिख लेंगे, कौन सा था, ये वाला है ना,
हैंडीक्राफ्ट, HANDICRAFT, हैंडीक्राफ्ट। अब और आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ कुछ लिखा हुआ है इसमें। इसका शेप कैसा है? इसका शेप है काऊ एंड काफ। काऊ एंड काफ, काऊ एंड काफ क्या होता है? गाय और उसका बछड़ा, तो दोनों का वो मूर्ति है। तो अब शेप के बारे में, चार्जिंग केस में, हाँ चार्जिंग केस, चार्जिंग केस पाउच है, सब चार्जिंग केस पाउच है, उसमें एक हुक है बेल्ट में लटकाने वाला। तो यहाँ क्या देंगे फैजान? शेप, शेप देंगे। और शेप दिए यहाँ पे काऊ एंड काफ। तो काऊ एंड काफ ये वाला है हैंडीक्राफ्ट। ये शेप कैसा है? काऊ एंड, ऐसे देंगे ये वाला एंड, स्पेस दिए नहीं, CAL। मार्बल लुक काऊ एंड काफ, काम धेनु, महादेव माउंट, नंदी हैंडीक्राफ्ट डेकोरेटिव। ठीक है, इतना से ये डिफाइन हो जाता है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि काम धेनु महादेव माउंट है। ये जो चीज है ये मूर्ति है, मार्बल का है, काऊ एंड काफ शेप का है। कलर वलर के बारे में लिखा हुआ नहीं है, तो कलर आप देख लीजिएगा फोटो से, व्हाइट है या क्या है, है नहीं? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है? डमरू। टाइप में दे दिए हैं आप डमरू, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डमरू शेप में भी जा सकता था, और ये टाइप में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जा सकता था, टाइप में, मटेरियल में तो नहीं जाएगा ना, म्यूजिकल मटेरियल में नहीं जाएगा। म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट कैसा है? म्यूजिकल। और शेप कैसा है? डमरू। तो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल, INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट कैसा है? म्यूजिकल। इसको हटा देंगे मटेरियल को। डमरू क्या चीज का बनता है? शेप में डाल देंगे डमरू। डमरू DAMRW डमरू। अब ये क्या है? दिया, कॉपर। मटेरियल कॉपर है, टाइप दिया, ठीक है। गणेश रुद्राक्ष है, गणेश रुद्राक्ष। स्टोन, स्टोन का रुद्राक्ष होता है। ब्राउन नेपाल ओरिजिन नेचुरल गणेश रुद्राक्ष विदाउट सर्टिफिकेट। तो ये कलर है इसमें, कंट्री ऑफ ओरिजिन नेपाल है इसका। एक कॉलम ऐड करेंगे हम लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन का। और नेचुरल रुद्राक्ष है ये, रुद्राक्ष है ये, कैसा है? नेचुरल है। और कैसा है? गणेश है ना, तो ये रुद्राक्ष है, कैसा है? नेचुरल है, NATURAL नेचुरल। और गणेश हो गया, स्टोन का है, स्टोन नहीं है ये ना, नेचुरल स्टोन नहीं है, इसका मटेरियल भी रुद्राक्ष होगा। और ये क्या है? गणेश शोपीस, रिद्धि सिद्धि, छत्र गणेश शोपीस। हाँ, रिद्धि सिद्धि छत्र गणेश शोपीस मेटल स्टैच्यू, वही है ये, मूर्ति है, आइडल। आइडल है किसका है? देखिए यहाँ पे, रिद्धि सिद्धि छत्र गणेश शोपीस मेटल का है। आइडल होगा, मटेरियल में मेटल होगा, शेप में गणेश हो जाएगा, और ओकेजन में रिद्धि सिद्धि लिख दीजिएगा, स्पेस मत दीजिएगा।
कैमल केस में, इसको हम लोग सुधार करें क्या? शोपीस इसको नहीं देंगे हम लोग, क्या देंगे? आइडल है ये, अब आइडल है। अब आपको जानकारी नहीं है कि आइडल कहाँ कहाँ रखा जाता है, पूजा करते हैं तो मूर्ति मंदिर में रखते हैं, और कई मूर्ति होता है जो लोग शोपीस में भी रख देता है। अब ये आदमी के ऊपर में है कि जो शोपीस में रखा है वहां भी पूजा करता है कि नहीं करता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग को तो बेचना है, आइडल है। कौन सा है आइडल? आइडल है मूर्ति, और कुछ देने का नहीं लग रहा है। नहीं, आइडल सिर्फ देते हैं यहाँ पे, मटेरियल में मेटल दे देते हैं। अब मेटल कौन सा है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, लोहा भी हो सकता है और मिट्टी भी हो सकता है। नहीं नहीं मिट्टी मटेरियल, मेटल मिट्टी थोड़ी होता है, मेटल मिट्टी नहीं होता। मेटल क्या क्या होता है? लोहा है, चांदी है, ब्रास है, कॉपर है, उसको बोलते हैं। तो मेटल का है, पैक ऑफ वन और कंपोनेंट वन ही रहेगा इसका भी। और ओकेजन में शेप में देखिए यहाँ पे फैजान, शेप में क्या दे देंगे? गणेश, गणेश का है ना, गणेश। और मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में नहीं पता है हम लोगों को, ओकेजन इसका जितने से दे। एक लीटर नहीं होगा, फाइनल के देखिएगा 800। अभी आप दे दीजिए 1800 देना है, वो जब ऑर्डर आएगा तो फिर पता लगेगा, तो उस टाइम फिर सुधार करेंगे। अभी तो सब बोतल का हम लोग कैपेसिटी नापे नहीं है ना, कौन सा कितना, जिसमें नहीं लिखा हुआ है वो सब छूट जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब और आते हैं, ये क्या है? गरुड़ा गंती, ये क्या चीज है? प्योर ब्रास इसका मटेरियल है, ब्रास है इसका मटेरियल। प्योर ब्रास मेड गरुड़ा गंती फॉर पूजा एंड गिफ्ट पर्पस। तो गरुड़ा गंती समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये? घंटी है, तो ये तो फिर इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, घंटी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कैसा? म्यूजिकल, और घंटी है ये। तो या तो आप घंटी लिख दीजिए, और नहीं तो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल लिखिएगा तो फिर डिफाइन करना पड़ेगा बहुत कुछ। घंटी लिख देने से तो अपने, घंटी सबको पता है कैसा होता है, घंटी होता है उसमें और नीचे में एक लटका होता है, उसको हिलाने से बजता है। तो घंटी लिख दीजिएगा वहां पे, गरुड़ा घंटी कैसा? गरुड़ा घंटी जो लिखा हुआ है उसको घंटी, GHANTI घंटी, घंटी कैसा? गरुड़ा GARUDA गरुड़ा। ठीक है, घंटी कैसा? गरुड़ा। मटेरियल इसका ब्रास है, सेम टाइप से। ये क्या है? देखिए जेम स्टोन है, ये जेम स्टोन। तो काली हल्दी जेन्युइन ब्लैक टर्मरिक, ब्लैक टर्मरिक कुरकुमा सेसिया 50 grams। तो इसका पैक ऑफ और पैक ऑफ उसमें क्या जाएगा? ये तो ग्राम में दिया हुआ है, और क्या है? हल्दी है, हल्दी का मतलब पाउडर होगा। तो जेम स्टोन काली हल्दी का लिखा हुआ है, जेम स्टोन को लिखा हुआ है। जेम स्टोन तो नहीं होता है, हल्दी तो हल्दी होता है। मटेरियल में हल्दी जाएगा, टाइप में जाएगा हल्दी, जाएगा हल्दी कलर में ब्लैक जाएगा।
है ना, कीजिए उसको ठीक। फैजान का स्पेशल आपको नहीं समझ में आ रहा, ब्लैक कलर होता है ना, मटेरियल में कैसे चला जाएगा ब्लैक? और टाइप में, टाइप में काली हल्दी, उसको जो है गड़बड़ हो जाएगा ना। टर्मरिक जो है, टर्मरिक को हिंदी में हल्दी बोलते हैं, गड़बड़ नहीं हो जाएगा? और इसका एसकेयू खोल के देखिए कि जेम स्टोन क्यों लिखा है इसके बारे में। एसकेयू इसका ओपन करके देखिए कि जेम स्टोन क्यों लिखा हुआ है। SKU, हाँ तो SKU में लिखा हुआ थोड़ी देर का, SKU को उठाइए यहाँ से, कॉपी कीजिए। कौन सा SKU? उसी का SKU तो लीजिए। इस लिस्टिंग को ओपन कीजिए, देखिए इसमें जेम स्टोन क्यों लिखा हुआ है। ये तो हल्दी है, काली हल्दी है, जेम स्टोन होने का कोई मतलब ही नहीं है। पीला वाला हल्दी नहीं है, काला वाला हल्दी। काला दिख नहीं रहा है लेकिन इसको लोग काला बोलता होगा, काला है क्योंकि ये पूरा पीला नहीं है, थोड़ा ग्रीन है, डार्क है, इसलिए काला हल्दी बोल दिया। और इसको यहाँ पे लिखिएगा आप, अगर हाँ इसका भी दाम ठीक करना होगा तो आप ही को करना होगा, कल बताएंगे कैसे करना है। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं, पहले आप सारा यूपी से सही कर लीजिए, सिर्फ पूजा आर्टिकल का, और सिर्फ पूजा आर्टिकल का ही हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है? इसको कंप्लीट होने के बाद फिर डिस्कशन लगेगा। तो ये हल्दी है, काली हल्दी, हम लोग यहाँ गूगल पे भी देख लेते हैं, काली हल्दी को कोई जेम स्टोन बोलता है क्या? काली हल्दी ये देखिए, तो हल्दी है, पेड़ पौधा में उगता है, काली हल्दी, ब्लैक टर्मेरिक, मेडिसिनल यूज है इसका, मेडिसिनल मतलब दवाई का यूज है। व्हाट इज काली हल्दी, देखिए यहाँ लिखा हुआ कुरकुमा सीसिया रॉक्स, इसका साइंटिफिक नेम है ये, इज ए पेरिनियल इरेक्ट राइजोमेटस हर्ब विद लार्ज लीव्स, कॉमनली नोन एज काली हल्दी, medicinal plant widely used in the traditional system of medicine, mainly fresh and dry zones. तो ये सीधा सीधा बात है, हल्दी है, ये खाने का चीज है, तो आप उसमें यही लिखेंगे। जेम स्टोन जो है लिखा हुआ है इसमें, गलत लिखा हुआ, जेम स्टोन नहीं है ये, है ना? इसको आप कर लीजिए। क्यों तो आप
वहाँ कुछ गड़बड़ बनाए होंगे। कहीं नाम में गड़बड़ होगा। नजर बट्टू है ना। नजर बट्टू तो वहाँ टाइप में दे दीजिए। नजर बट्टू, नजर बट्टू को पहले टाइप में नजर बट्टू दे दीजिए, और जितना नजर बट्टू है सबका टाइप नजर बट्टू कर लीजिए। आप क्या बोल रहे हैं फैसल? सर बस यही तीन चीज जाएगा सर, टाइप में बॉक्स। हाँ देखिएगा, इसको अपलोड करके और फिर उसका फोटो दीजिएगा है ना, अपलोड करने के बाद। ये जेम स्टोन सबके आगे में जो लगा हुआ है ये गलत लग गया है। जेम स्टोन, जेम स्टोन जो है नहीं, ये सब जेम स्टोन किसको बोलते हैं? स्टोन होता है, कैसे स्टोन? जेम, जेम किसको बोलते हैं? जेम स्टोन कीमती स्टोन जो होता है ना, कीमती स्टोन कैसा होता है? हीरा को कीमती स्टोन बोलते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारा कीमती स्टोन होता है, जो अंगूठी में लोग पहनते हैं पत्थर होता है ना, वो सब सब जेम स्टोन होता है। पर ये तो जेम स्टोन नहीं है, ये तो कॉपर वेसल है। कॉपर वेसल का मतलब, वेसल का मतलब बर्तन होता है। प्रॉपर मटेरियल हो गया उसका। टाइप में दे दीजिए वेसल। आइडल है वो? आइडल तो नहीं है, लोटा तो आइडल नहीं है। नहीं सर, ये लोटा तो प्रॉपर। हम्म, गुड इवनिंग सर, आइए। जी आप तो हाँ।